अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद दानिश अली। आज मैं करंट ट्रेंडिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप के लिंक्स को किस तरीके से दूसरों को फॉरवर्ड करके उनको ऐड कराया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, ये हमारा व्हाट्सएप है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ये व्हाट्सएप हो गया ओपन, जैसे बहुत सारे ग्रुप बने हुए इसी तरीके से आप भी एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप बनाने का तरीका मैं आपको बता दूँ, ये जो तीन बटन हैं आप इस पर क्लिक करेंगे, यहीं पर फिर ये लिखा हुआ है न्यू ग्रुप। जब न्यू ग्रुप में आप जाएंगे तो आप इस ग्रुप पे एक दो लोगों को ऐसे ही ऐड कर लेंगे, जैसे ये है बिलाल एक बंदा या ये है, मैं इसको ऐड कर लिया। आप 257 लोगों को एक वक्त में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्रुप का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं ग्रुप का नाम लिख देता हूँ न्यू ग्रुप, ठीक, ये ग्रुप का नाम लिख दिया। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ग्रीन वाले सर्कल को क्लिक कर देंगे, ये हो गया क्रिएटिंग ग्रुप लिखा हुआ है, ये ग्रुप बन गया। अब इसको आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये ग्रुप खुल गया, ठीक है। यहाँ से आप अपने ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, और एड ग्रुप डिस्क्रिप्शन और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि आप अपने ग्रुप में क्या क्या चीज़ें डालना चाह रहे हैं। जैसे कोई भी आपने कपड़ों का ग्रुप है तो आपने क्लॉथ लिख दिया, उसमें किड्स लिख दिया, जो भी आपने लिखना है लिख दिया, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। यहाँ से आप म्यूट नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आपको पता ना चले नोटिफिकेशन आए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा है ग्रुप सेटिंग में जाके, ग्रुप सेटिंग में जाएंगे तो आप एडिट ग्रुप इन्फो में जाएंगे, ठीक है। ये बोल रहा है आपको अपने आइकन और चीज़ें डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं खुद, या ओनली एडमिन चेंज कर सकते हैं। तो आप ओनली एडमिन कर दें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। सेंड मैसेज में भी ओनली एडमिन, सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है, कोई नहीं कर सकता ग्रुप का मेंबर। इस तरीके से आप ग्रुप में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन ऐड है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप नीचे आएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसे ये लिंक है, इस लिंक को आप यहाँ से उठाएंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, या आप शेयर भी कर सकते हैं। और ये है QR कोड, तो ये आप QR कोड भी अपना ग्रुप पर बना सकते हैं। ये QR कोड है आपके ग्रुप का, ये भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, लोग स्कैन करके आपके ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये ग्रुप मैंने कर दिया, अब मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, ठीक है। अब आपने व्हाट्सएप पे लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं तो यहाँ से कर दें, जैसे किसी भी ग्रुप में आप डाल दें लिंक, जिस ग्रुप में सेलेक्ट कर इसी ग्रुप में आपने डाल दी लिंक, ठीक है, आपका लिंक ये आ गया। अब जो कोई बंदा इस लिंक पर क्लिक करेगा तो आपके ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपका ग्रुप की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। फिर आप अपने ग्रुप में वीडियो कॉल भी कर सकते हैं इस बटन से, और वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और आप यहाँ से जाएंगे वॉलपेपर्स पे, यहाँ से अपने ग्रुप के वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वॉलपेपर यहाँ पे आए, यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया, ये आपके ग्रुप का बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ से कर दिया सेट वॉलपेपर, ये आ गया आपका बैकग्राउंड। इस तरीके से आप ग्रुप में काफ़ी सारी चेंजिंग कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन वाला नीचे गोल दायरा बटन है, इससे आप अपने वॉइस नोट भेज सकते हैं। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर ये रिकॉर्ड होगी इस ग्रुप में आ गया। ये दोबारा दबाता हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है हमारी बातें, ये बातें जैसी रिकॉर्ड होंगी ये खत्म हुई, ये आ गया, डिलीट हो रहा है, क्योंकि मैं ऑडियो पहले ही बोल रहा हूँ, इस पर से ये जा नहीं पा रहा। जब ये ऑडियो बन जाएगी तो फिर ये इजीली हो जाएगा। किसी किस्म के आपके कोई सवाल आते हैं, क्वेरी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसके हवाले से मैं आपको फ़ौरन व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को।